मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। एक तरफ सत्ताधारी दल भाजपा प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालकर शिवराज सरकार को निशाना बना रही है। ऐसे में दोनों दलों के नेता भी एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। यात्रा में भारी जन सैलाब भी उमड़ रहा है। सिंगरौली जिले में जन आक्रोश यात्रा का नेतृत्व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के परिवहन प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता शिवराज सरकार के राज में भय, भूख और भ्रष्टाचार से परेशान है। भाजपा के लोग दोगले हैं। भाजपा को मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार यात्रा निकालना चाहिए। साथ ही ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जन आक्रोश यात्रा की रूपरेखा बताई और लोगों से ज्यादा संख्या में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने की अपील की। कांग्रेस का जन आक्रोश यात्रा जनता की आवाज है, जो 18 वर्षों से दबी कुचली जनता जो भाजपा के सिर्फ झूठे वादे और भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है, ये आशिक कितने ये मट्ठर हैं या कितने ये दोगले हैं कि जनता यहाँ परेशान है और ये जनता आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि यहाँ का युवा परेशान है, माताएं बहनें परेशान हैं, किसी को बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, तो इनको आशीर्वाद नहीं, भाजपा भगाओ यात्रा निकालना चाहिए था। इसी के खिलाफ कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा जनता की आवाज पे ये निकाली है। वहीं सिंगरौली से भाजपा विधायक राम लल्लू वैश्य ने ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी कमलेश्वर पटेल के भाई नहीं चाहते थे कि सिंगरौली जिला बने। उन्होंने सिंगरौली को जिला न बनाने की याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। कांग्रेस के नेता कभी सिंगरौली का विकास नहीं चाहते। यहाँ की जनता कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस की सरकार बने। हर की सभा में राहुल भैया ने खुद कहा था कि जब तक दाऊ साहब रहेंगे सिंगरौली जिला नहीं बनेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिंगरौली का विकास आप चाहते कहाँ थे? यह क्षेत्र बिल्कुल कालेपन के काले पानी में के आज जो था वो आज भी आपका शासन में करना चाहते हैं। सिंगरौली की जनता आपसे बल्कि आक्रोशित है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बननी चाहिए, सरकार को कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, इसलिए आक्रोश तो जनता का कांग्रेस के प्रति है, न कि भाजपा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।